मांडा चिड़ियाघर जम्मू शहर में स्थित है। ये जम्मू से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे मांडा डेयर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। मांडा डेयर पार्क अमर सिंह पैलेस से कुछ मीटर पहले ही आ जाता है। सबसे पहले मांडा जू का टिकट काउंटर आता है, जहां पर आपको टिकट मिलेगी। अडल्ट के लिए टिकट का प्राइस 20 रुपये पर पर्सन है और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन। तो गाइस, हम टिकट लेने के बाद अब चलते हैं और देखते हैं कि ज़ू के अंदर का नज़ारा कैसा दिखता है। इस चिड़ियाघर में आपको हज़ारों किस्म के पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जहां पर आपको हिरण देखने को मिलेंगे। लगभग 80 के करीब हिरण जहां पर पल रहे हैं, जो भागते दौड़ते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जहां पर आपको बड़े सींग वाले सांभर भी देखने को मिलेंगे। कई बार ये जानवर इंसान के एकदम नज़दीक तक आ जाते हैं। काला भालू भी इस चिड़ियाघर में पल रहा है, जहां पर समय बिताकर हम भालू के जीवन शैली को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जानवर को गर्मी बहुत सताती है, इसलिए चिड़ियाघरों में इसके लिए कूलर की व्यवस्था की गई होती है। सर्दियों में इसे शहद भी खिलाया जाता है। ऐसा करने से इसके मन को बहुत सुकून मिलता है। जहां पर आपको मोर भी देखने को मिलेंगे, ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। मोर पक्षी को उसकी सुंदरता की वजह से पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। आम तौर पर हमें ऐसा लगता है कि मोर नीले रंग के ही होते हैं, जबकि मोर हरे, जामुनी और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। मोर सांप का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिस जगह मोर का बसेरा होता है, वहां पर सांपों का बसेरा नहीं होता। सांपों से बचने के लिए ज़्यादातर मोर ऊंचे पेड़ों पर विश्राम करते हैं। तेंदुआ भी इस चिड़ियाघर में आपको देखने को मिलेगा। बिल्ली तथा चीते की जाति का एक बड़ा हिंसक पशु, जो कि अफ्रीका तथा एशिया के भी जंगलों में पाया जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली और चतुर जीव है। ये शेर, बाघ और जैगुआर की तुलना में सबसे छोटा होता है। शिकार को पकड़ने की तकनीक और हमला करने की शैली इन्हें एक विशाल दर्जे का शिकारी बनाती है। तेंदुआ लगभग 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके साथ ही ईगल उल्लू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सांप, चूहे, खरगोश आदि के बच्चों का भी शिकार करता है। इसकी एक गहरी आवाज़ होती है, जो सुबह और शाम को सुनी जा सकती है। चरित्र सारस भी जहां पर आपको देखने को मिलेंगे। हल्के सफ़ेद रंग पर गुलाबी रंग इसे और अधिक आकर्षक बना देता है। लंबी और पतली टांग और लंबी चोंच इस पक्षी को दूसरे पक्षियों से अलग करती है। ये पक्षी मानव से भी ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि ये अपनी सुरक्षा के लिए आसपास की हरियाली को बचा कर रखते हैं। यहाँ की बतख एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये जल में पाए जाने वाला एक बेहद खूबसूरत पंछी है। ये अपना जीवन का अधिकांश समय जल में ही रहकर गुजारती है। ये पेड़ पौधे, फल इत्यादि के साथ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या मछलियाँ भी खाती है। एक बतख लगभग 8 से 10 साल तक जीवित रह सकती है। जहाँ पर स्नेक चैम्बर भी है, अलग अलग प्रकार के सांप जैसे कि द इंडियन रॉक पाइथन, द रसल वाइपर, द रॉयल और डाइडम स्नेक
यहाँ पर रखे गए हैं और इस चैम्बर को देखने से आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जम्मू क्षेत्र में कितने किस्म के सांप हैं और इनमें से कितने जहरीले हैं। गाइस, अगर आपका मन उदास है या फिर कुछ बेचैन है तो आपको प्रकृति से ज़रूर जुड़ना चाहिए। अगर आप इन सब में इस तरह का एहसास करना चाहते हैं तो जम्मू में मांडा डेयर पार्क आपके लिए एक बेहतरीन स्थल है। मंगलवार के दिन को छोड़कर ये पार्क सभी दिन खुला रहता है। गर्मियों में इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और सर्दियों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस, मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।